नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्री गंगानगर नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया के खिलाफ ACB ने जांच का शिकंजा कसते हुए सिविल लाइन स्थित उनके मकान को कल रविवार को सील कर दिया। स्थानीय चौकी प्रभारी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि सीकर ACB ने लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर प्रियंका बुडानिया को रोककर उनकी गाड़ी की तलाशी ली थी, जिसमें 1,40,000 रुपये बरामद हुए थे, जिसके संदर्भ में रविवार को मकान की तलाशी लेनी थी, लेकिन ताला लगा होने के कारण मकान को सील कर दिया तथा निगरानी के तौर पर वहाँ कोतवाली व ACB का स्टाफ नियुक्त किया गया है। सीकर ACB के DSP जाकिर अख्तर ने फाइटर को बताया कि प्रियंका बुडानिया से 1,40,000 रुपये की राशि बरामद की गई थी, जिसका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी। उन्होंने लगभग आधा दर्जन से लोगों से यह रकम लेना बताई थी, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक अनोखी शादी हुई। शादी के दिन ही दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसको देखते हुए केलवाड़ा कोविड सेंटर में PPE किट पहनकर दुल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। सरकार की प्रोटोकॉल के अनुसार यह शादी हुई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में अगले सप्ताह एक बार फिर से मौसम पलटी खाने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना मौसम केंद्र की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार आ रहे कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में हवाओं का पैटर्न बदला हुआ है, परिणाम स्वरूप तापमान में बढ़ोतरी हुई है। एक और पश्चिमी विक्षोभ आज 7 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा, हालांकि इसे आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं आगामी 11-12 दिसंबर को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा थाना क्षेत्र के कुंडाल के पास 2 बाइकों में आमने सामने भिड़त हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान घटोली कुंडाल निवासी घनश्याम प्रजापत के रूप में हुई है, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को लाडपुरा निवासी मनीष, मोहनपुरा निवासी संतोष कंवर और कोटा के जिले के सुकेत निवासी चंचल शामिल है। पुलिस ने सभी घायलों को कोटा के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जांच कर रही है। किसान संगठन कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार किसान संगठन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। वही MSP पर मांग माननी पड़ेगी। वहीं किसानों ने कहा कि 8 दिसंबर को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा, दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। हालांकि इस बीच शादियों एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। अजमेर के बयावर DTO को परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार बयावर DTO को कम राशि के चालान पर ट्रक को छोड़ने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। नियमानुसार चालान होता तो करीब 30,000 रुपये का राजस्व मिलता, जबकि परिवहन निरीक्षक ने महज 2,000 रुपये का चालान कर ट्रक को छोड़ दिया। आयुक्त ने DTO से 3 दिन में मामले में जवाब मांगा है। झालावाड़ जिले के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हॉस्टल के करीब 20 कमरों में चोरी हुई है। इन कमरों में पैसे, आभूषण व बिजली के उपकरण चोरी किए गए हैं। लॉकडाउन के कारण सभी गर्ल्स अपने घर गई हुई थी। जब हॉस्टल वापस लौटी तो कमरे में हुई चोरी का पता लगा। छात्राओं ने मेडिकल प्रशासन और पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करौली जिले के दहमोली गांव में रविवार को कुएं में एक युवक का शव मिला। शव की पहचान गांव के ही एक युवक के रूप में हुई है, जो अपनी शादी के दूसरे दिन ही लापता हो गया था। पुलिस और परिजन 10 दिन से उसकी तलाश में जुटे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में भिजवाया है। मृतक के भाई पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि आशीष कुमार उर्फ गोलू की शादी 10 दिन पहले हिंडौन तहसील के सनेट गाँव में हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही रात 12 बजे आशीष कुमार बाहर जाने की कहकर निकला था। आशीष काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसका परिवार सुबह शव बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में DRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी सिगरेट के गोदाम को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई में DRI ने करीब 3 लाख रुपए, 55,000 रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। DRI की टीम ने गुवाहाटी से आया ट्रक को VKI में पकड़ा है। इसके साथ ही DRI ने सांगानेर स्थित गोदाम और कॉरियर कंपनियों के भी यहाँ छापे मारे। DRI द्वारा कुल जब्त की गई सिगरेट का मूल्य 65 लाख रुपए बताया जा रहा है।
पोखरण में रविवार को विस्फोट से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल हो गया। दोनों बच्चे पास ही के भादरिया गांव के हैं। ये दोनों सुबह पोखरण घूमने गए थे जहां इन्हें एक बम नामक वस्तु मिली। बच्चे उसे घर ले आए और उसे खेलने की कोशिश करने लगे तभी अचानक उसमें विस्फोट हो गया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को इलाज के लिए पोखरण ले जाया गया जहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया। अब परिवहन आयुक्त प्रत्येक कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे। जानकारी के अनुसार आयुक्त ने प्रदेश भर के RTO DTO को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार परिवहन निरीक्षक फील्ड में जिन भी वाहनों का चालान बनाएंगे उस वाहन का फोटो भी व्हाट्सएप पर भिजवाने के लिए कहा गया है। मॉनिटरिंग में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में 3 युवकों द्वारा एक युवक से सामूहिक कुकर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने रिपोर्ट दी है कि उसके साथ 3 युवकों ने अप्राकृतिक मैथुन कर उसके साथ मारपीट की। देर रात आरोपी युवक को घर के आगे से जबरन उठाकर ले गए। युवक को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित युवक ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।